हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर हाजिर हैं ट्राइंगल चैप्टर के 7.7 लेकर, जो कि है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट मींस दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, D एंड E आर द पॉइंट्स. D and E are the points on the same side of AB. Means AB के same side. Such that BAD, check it. BAD, ये जो हमारा angle है, BAD is equal to ABE. ABE, ये वाला given है. Next, angle EPA, EPA, angle number 2, double click, is equal to DPB, DPB. तीन condition given है यहाँ पे, देखिए गौर से. सबसे पहले AB line segment का P midpoint है, इसका मतलब है AP इज इक्वल टू BP, मिड पॉइंट ऑलरेडी बोल रखा है. सेकंड कंडीशन, आपका जो एंगल है BAD, BAD ये जो आपका एंगल है वो इक्वल है ABE, इस एंगल के. तीसरी कंडीशन है EPA, EPA आपका ये जो एंगल है डबल क्लिक वाला वो इज इक्वल टू है DPB, इस डबल क्लिक के. प्रूफ क्या करवाना चाह रहा है, क्या शो करना है, ट्राइंगल DAP. आप देखिए ट्राइंगल है कहां, DAP, DAP ये ट्राइंगल, ये छोटे वाले ट्राइंगल है DAP. ये ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट चाहिए ट्राइंगल EBP, EBP. देखिए ये आपकी छोटी वाली, ये छोटी, इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज तो क्लियर है कि इस DAP का AP और EBP का BP दोनों इक्वल है. एक कंडीशन आ चुकी है हमारे पास. कंडीशन नंबर दो, DAP का एंगल DAP ये वाला एंगल और EBP का एंगल ये वाला एंगल इक्वल है. बट जो तीसरी कंडीशन है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया था कि एंगल कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी ये जो हिस्सा है ये ना तो इस एंगल के पास है ना इसके पास है. अगर ये हिस्सा दोनों के पास हम बराबर ऐड कर दें तो फिर एक कंप्लीट एंगल आ जाएगा, जो कि इस एंगल का भी होगा और इस एंगल का भी होगा. यानी हमें बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही करना है. जो जो एंगल कम है वो एंगल आपको दोनों में ऐड कर देना है तो कंप्लीट एंगल आपके पास बन जाएगा. देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, जैसा कि मैंने एग्जांपल देके बताया था, किसी भी दो स्टूडेंट के पास में 50-50 रुपए हैं, ये 50 रुपए ये 50 रुपए, दोनों के पास इक्वल अमाउंट है 50-50. अगर मैं उनको ये 25 रुपीज दे दूं दोनों को, इसको भी, बिकॉज जो मैं क्वांटिटी दे रहा हूं वो भी इक्वल है. दोनों के पास 50-50 रुपए थे पहले, दोनों को सेम क्वांटिटी 25-25 दिया जा रहा है, तो उनके पास होगा वो क्वांटिटी भी सेम ही होगी ना बेटा, 75-75 सेम हो गया. ऐसे ही करना है. तो ये जो एंगल बचा है ये एंगल हमें ऐड करना है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी. दोनों में ऐड करने पर हमारे पास एक पूरा एंगल आ जाएगा. फिर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल हम लगा देंगे. हम शुरू करते हैं इसका. सबसे पहला जो इसका सलूशन हम शुरू कर रहे हैं, कैसे, जो फर्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि आपको एबी लाइन सेगमेंट का, इसका मतलब पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी. सो AP इज इक्वल टू BP, ये चीज क्लियर होगी.
गिवन दे रखा है। अब देखो आप इन ट्रायंगल, जिन ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है आप उन्हीं को लेकर चलते हैं। ट्रायंगल डीएपी डीएपी एंड एंड से जोड़ेंगे एंड ट्रायंगल ईबी। देखिए एक तो ये जस्ट आपके पास यहां रहा, लिखिए इसको कि एक एंगल भी तो दे रखा ना बीएडी वाला, बीएडी इज इक्वल टू ए बी ई। इट मीन्स इट इज टू बी गिवन। कंडीशन नंबर दो, अभी जस्ट आपने लिखा है एपी इज इक्वल टू बीपी, मीन्स पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी। अब आती है कंडीशन नंबर थ्री, ऑलरेडी गिवन तो है लेकिन वो एक उस ट्रायंगल का कंप्लीट एंगल नहीं हो रहा, कुछ एंगल कम बच रहा है। तो देखिए पहले आप लिख लीजिए कंडीशन नंबर जो तीन है उसको पहले आप मेंशन कीजिए। तीन कौन सी कंडीशन है कि आपका जो एंगल ईपीए ईपी इज इक्वल टू डीपीडी डीपी, ये आपको गिवन दे रखा है। लेकिन इसमें ये जो देखिए इस डीएपी में ये कम पड़ रहा है तो आप इसको ई पी डी दोनों तरफ ऐड कर लीजिए, एडिंग एंगल क्या है इसका नाम डी पी ई बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करता हुआ दिखा दीजिए आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपका ये ई पी ए प्लस डी पी ई, आपने लेफ्ट साइड ऐड किया सेम डी पी ई, आपने राइट साइड ऐड किया। अब ऐड करने के बाद आपने ऐड किया ना, ऐड करने के बाद में क्या है देखिए, आप जब ऐड करते हैं तो कंप्लीट एंगल कौन सा बन रहा है देखिए, आपने ए पी ई में और डी पी ई ऐड कर दिया तो क्या हो गया ए पी डी हो गया, क्या एंगल हुआ आपका एपीडी। मैं थोड़ा रफ कर देता हूं या लिख देता हूं, आपने ऐड किया तो एपीडी हो गया, आपका एंगल हो गया ए पी डी, ए पी डी हो गया और ये आपका हो गया इधर वाला, ये एंगल ऐड कर दो बी पी ई बी पी ई, ठीक है जस्ट प्रूव आपने अभी अभी इसको प्रूव किया है। देखिए आपके पास में कंडीशन नंबर वन एंगल साइड एंगल, तो हम क्या लिखें आप लिखिए कि एंगल साइड एंगल कोण एंड रूल, इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपकी जो ट्रायंगल डीएपी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ईबीपी के। क्लियर है, कोई डाउट है? आपको एबी है वो उसका पी मिड पॉइंट दिया था तो वहां से एक पी बराबर किया गया। दूसरी कंडीशन बीएडी एबी के इक्वल है, ये आपको गिवन में दे रखा था। तीसरी कंडीशन में एंगल छोटा सा हिस्सा था वो कंप्लीट जो एंगल है ना वो उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग वो बन नहीं पा रहा था तो हमने वो जो कमी थी रिक्वायरमेंट थी वो हमने दोनों तरफ ऐड कर दी, ऐड करने पर हमारे पास एपीडी और बीपीई बन गया, यानी कि हमने जस्ट अभी इसको प्रूव किया। तो तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग आपकी ट्रायंगल डीएपी और ईबीपी वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ये प्रूव होगी, यानी आपने फुटबॉल को ग्राउंड में तो डाल दिया है। अब आपको ये शो करना है कि एडी, देखिए इस ट्रायंगल में आपका एडी ये वाला है, ये साइड और आपको इस साइड, तो आपको क्या लगता है ये तो आपके दोनों ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग पार्ट है तो आप लिख करके सी पी सी टी फिनिश, क्या बोलेंगे
corresponding parts of congruent triangle, because जब football ground में है तो goal करने में कोई problem नहीं होने वाली। तो I hope you will enjoy this question. It is a very important question because the condition is given. Every three conditions are to be given, but something to complete this angle. So जिस चीज की कमी है वही चीज हमने बराबर दोनों की तरफ add कर दिया, तो हमारे पास angle निकल के आ गया। Okay, I hope you enjoy full. Thank you.